मैथ स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप ठीक इसलिए भी होंगे क्योंकि आप टाइगर्स हैं। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल एंड टुडे टॉपिक इज आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स। हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें भी यही हमने पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कल्चरल आसन। तो कल्चरल आसन में हमने अष्टांग योग, अष्टांग योग के एलिमेंट्स ऑफ योग को साथ मिला के पढ़ा था और पिछली बार हमने योग के जो एलिमेंट्स है, जो आठ एलिमेंट्स हैं, हमने उनमें से यम के ऊपर चर्चा की थी। यम, मैंने आपको यम के पांच पार्ट बताए थे, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टॉलिंग, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो मैंने आपको योग के आठ एलिमेंट्स बताए थे, उन आठ एलिमेंट्स, जो सेकेंड नंबर का एलिमेंट्स है वो है नियम। ठीक है, इसी तरह जैसे यम के पांच पार्ट है, नियम के भी पांच पार्ट है। वो पांच पार्ट कौन कौन से हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर ध्यान। ध्यान से सुनना, नियम के पांच, यम के पांच पार्ट है और नियम के भी पांच पार्ट हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर ध्यान। फर्स्ट कौन सा है? सोच। सोच किसको बोलते हैं? ठीक है, हम सोच उनको बोलते हैं कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी क्रिया जिसके द्वारा मन और शरीर को शुद्ध किया जा सकता है, पवित्र किया जा सकता है। अब सोच के द्वारा मन और शरीर को पवित्र किस तरह करेंगे? हम सोच के माध्यम से जो उसको पवित्र करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, हम स्नान आदि करने से, है ना, सात्विक भोजन करने से। सात्विक भोजन यानी कि ऐसा अच्छा भोजन जिसका शास्त्र में वर्णन किया गया, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, यानी कि बिल्कुल शाकाहार भोजन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो करते हैं और इसी के साथ साथ इसमें कुछ षट क्रियाओं का भी समावेश होता है। षट क्रियाएं कौन सी होती हैं? योग में एक आते हैं षट कर्म, आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। योग के अंतर्गत षट कर्म में छह चीजें आती हैं, धोती, वस्ति, नोड़ी, नेति, त्राटक और प्राणायाम। ठीक है, तो कुछ ऐसी षट क्रियाएं भी इसमें शामिल होती हैं। उन षट क्रियाओं के द्वारा, स्नान आदि के द्वारा और सात्विक भोजन आदि के द्वारा शरीर और मन को सोच के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, इसी में सेकंड नंबर का जो हमारा टॉपिक है, नियम का जो सेकंड पार्ट है, वो है संतोष। ठीक है, इसको हम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, संतोष किसको बोलते हैं? हम निरंतर अपने जिस कार्य को करते रहते हैं, उन कार्यों को करते करते जो भी हमें प्राप्त हुआ, वो हमारी मेहनत से प्राप्त हुआ या भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, ठीक है, जो भी हमको मिला उसी में संतोष करना और उसी में संतोष करके सेटिस्फाई होने के बाद अपने आगे के कार्यों के लिए और ज्यादा मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हुए जो भी हमको मिला उसी में संतोष करना, सेटिस्फाई होना, उसको संतोष बोलते हैं। थर्ड हमारा है तप। मैं कई बार बच्चों से पहले भी क्लास में, जैसे पिछली बार स्कूल में क्लास में बात कर चुका हूं, तप के बारे में बच्चों से बोलते हैं कि तप क्या होता है। ठीक है, तप के बारे में क्या बोलते हैं कि तपस्या। तपस्या किसकी? भगवान की तपस्या। यानी कि लोगों का यह मानना है कि हम जो भगवान की तपस्या करते हैं, जो उनके लिए जो तप करते हैं, हम सिर्फ उसी को तप बोलते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? तप क्या होता है? कैसी भी परिस्थिति हो, धूप हो, चहाव हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जाड़ा हो या बरसात हो, सुख हो या दुख हो, कैसी भी परिस्थिति रही हो, उन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए हमने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना, उस लक्ष्य तक पहुंचना तप कहलाता है। यानी कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारे माता पिता के जो सपने हैं, हमारे जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए, उनके लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम जो मेहनत करते हैं उसको हम तप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्वाध्याय। ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी का शब्द हो सकता है स्वाध्याय। ठीक है, आपने अध्याय पढ़ा है, ये है स्वाध्याय। स्वाध्याय किसको बोलते हैं? विचार शुद्धि के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ठीक है, वो स्वाध्याय कहलाता है। अब आप पूछेंगे कि कौन से शास्त्रों का अध्ययन करें? आप 11th में थे, 12th में हैं, ठीक है, पहले आपने 10th भी किए, तो आपने उनके साथ साथ अपने कोर्सेज की किताबें पढ़ी हैं। लेकिन इन कोर्सेज की किताबों के साथ साथ आपको शास्त्रों का अध्ययन करना है, अपने रामायण जी को पढ़ना है, गीता जी को पढ़ना है या भागवत पुराण जैसे महापुराण का अध्ययन करना है। ठीक है, उनको पढ़ते हुए, अपने कोर्सेज की किताबों को पढ़ते, इन सब चीजों को, इन शास्त्रों का अध्ययन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। और ये स्वाध्याय किस लिए होता है? विचार शुद्धि के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईश्वर ध्यान। अपने मन, वचन, कर्म और वाणी से ईश्वर का ध्यान करना। ईश्वर का ध्यान करते हुए हमने जितने भी कार्य किए, जितने भी हमने कर्म किए हैं, उन सब कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना, ईश्वर ध्यान कहलाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे ईश्वर ध्यान की। ठीक है, हम कहते थे कि हम ईश्वर का ध्यान करते हैं,
लेकिन कितनी देर करते हैं, हमारा रूटीन क्या है, हम उसको किस तरह से करते हैं नहीं बता सकते। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आपको एक 3 घंटे की मूवी देखने के लिए दे दी जाए, ठीक है, तो आप उस 3 घंटे की मूवी को बिना एक बार भी हिले, अपने स्थान से एक बार भी उठे, 3 घंटे लगातार आप उस मूवी को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि 3 मिनट सुबह और 3 मिनट शाम को आपको रूटीन बना के लगातार ईश्वर का ध्यान करना है, तो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमारा जो रूटीन है वो टूट जाएगा। इसलिए ईश्वर ध्यान उसको बोलते हैं कि निरंतर अपने कार्य को करते हुए अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से ईश्वर का ध्यान करना। और हमने जो भी कार्य की, हमने जो भी मेहनत की है, उन सभी कार्यों को प्रभु को, भगवान को समर्पित कर देना, ईश्वर ध्यान कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे अष्टांग योग के एलिमेंट्स, ओम योग के 2 पार्ट हो गए, यम और नियम। यम के भी 5 पार्ट है, नियम के भी 5 पार्ट है, और अष्टांग योग का, इनके एलिमेंट्स ओम योग का जो तीसरा पार्ट है वो आसन है। आसन के लिए मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं। यम नियम आसन, यानी कि आसन एलिमेंट्स ऑफ योग में 3rd नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे आता है। ठीक है, आसन के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे शास्त्र में वर्णित है, स्थिरम सुखम आसनम। ठीक है, मतलब शरीर की वो पोजिशन, वो स्थिति जिसमें हमारे शरीर को, मन को सुख प्राप्त हो, ठीक है, वो आसन कहलाती है। यानी कि हमारे यहाँ तक 3 पार्ट अष्टांग योग के, एलिमेंट्स ऑफ योग के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम बात करेंगे यम नियम आसन के बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो ये अष्टांग योग है, जो योग वाला चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको एक कोर्सेज के लेवल पे लेके नहीं चलना है। ये योग एंड लाइफ स्टाइल, ये योग के बारे में जो आपको अष्टांग योग, एलिमेंट्स ऑफ योग आपको समझाया जा रहा है, ये आपके जीवन पर्यंत आपके साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इस योग को, इस अष्टांग योग को आपको अपने आचरण, वाणी और व्यवहार अपने अंदर उतारना है, अपने व्यवहार में लेके आना है। ठीक है, तो हम इसको यम और नियम और आसन 3ों पार्ट को देखेंगे। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे से पूछ भी सकता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।